हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को शेयर करने के बाद हम आज पेटी कैश बुक का मेंटेन करना आपको बतलाएंगे। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज इस टॉपिक को हम पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बस एक छोटा सा सजेशन दूंगा। जैसे कि मैं पहले हर वीडियो में आपसे यही बात करता हूँ कि अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ये बतलाया था कि पेटी कैश बुक का परफॉर्मा किस तरह के होता है, तो गाइस जाइए पहले पिछली वीडियो देखिए और पिछला काम पूरा करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और यहाँ पर बोर्ड की स्क्रीन पर आपको अब एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर आराम से देखिए। अब मैं बुक है मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन को बुक से पढ़ूंगा और आप यहाँ पर बोर्ड पर देख करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन या फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। जनवरी 2018 की एक ट्रांजेक्शन दी हुई है और इन ट्रांजेक्शन को देख करके आपको पेटी कैश बुक बनानी है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनानी है। ज़्यादातर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही आती हैं, वो सिंपल पेटी कैश बुक ज़्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले नहीं करती है। तो इसको ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक समझते हुए हम इसको आपको प्रैक्टिकली मेंटेन करना सिखा रहे हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं और मैं सारी एंट्रीज आपको पढ़ देता हूँ। पहले नंबर पे जनवरी 2018 में आप देख सकते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम कैशियर 1000 रुपीज़। हमें 1000 रुपये कैशियर से मिल गया है और इसके बाद ही हमें सारे खर्चे वगैरह अपने करते चले जाने हैं। तो पेड फॉर टेलीग्राम 35 रुपीज़, न्यूज़पेपर के 52 रुपीज़। ये जनवरी 2 को हमने किया है। 4th of January को क्या किया, परचेज स्टेशनरी रुपीज़ 32 रुपीज़ और सोप 15 रुपीज़ का, आप बोर्ड पर आराम से देख सकते हैं। पेड कुली चार्जेस 25 रुपीज़, टैक्सी फेयर 65 रुपीज़, पोस्टेज 25 रुपीज़, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 22 रुपीज़, टेलीग्राम 32 रुपीज़, एसटीडी कॉल्स 25 रुपीज़, पेड चौकीदार रुपीज़ 80, कोरियर चार्जेस रुपीज़ 20, रिफ्रेशमेंट रुपीज़ 70। 18 January को क्या किया है, पेड कैरेज 40 रुपीज़, स्टेशनरी 22 रुपीज़। 21 January को क्या किया है, पोस्टेज चार्जेस 25 रुपीज़ और टेलीग्राम 20 रुपीज़, पेड टोंगा फेयर कार्टेज 24 रुपीज़, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 45 रुपीज़, पेड कुली चार्जेस 30 रुपीज़, बस फेयर 28 रुपीज़, पेड ऑटो फेयर 25 रुपीज़, कंप्यूटर स्टेशनरी 55 रुपीज़। 30 January को पेड पोस्ट फोटो स्टेट चार्जेस 20 रुपीज़ और कार्टेज 25 रुपीज़, पेड लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस रुपीज़ 40, रिफ्रेशमेंट 85 रुपीज़। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपके साथ हमने पढ़ दी हैं। अब मैं आपको सबसे पहले, आप अगर हैंड टू हैंड इस क्वेश्चन को अपने हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो आप, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अपना नोटबुक अपने पास रखिए, वीडियो को देखते जाइए और हमारे साथ क्वेश्चन करते रहिएगा। तो अभी सबसे पहला काम क्या होगा हमारे साथ, आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो है उसका परफॉर्मा आपको बना लेना है, ठीक है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक और इसका परफॉर्मा आप बना लीजिए। परफॉर्मा आपको अगर नहीं पता है तो आप या तो पिछली वीडियो देख करके पहले परफॉर्मा बनाना सीखिए, अदरवाइज आपको मैं परफॉर्मा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया जाता है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट जो भी रिसीव्ड हुई है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपका जो है परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे दूसरे नंबर पे आता है डेट, फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी पार्टिकुलर्स, यानी जो जो आपने किया है वो सब यहाँ पे लिख देंगे। पार्टिकुलर्स के बाद आपको लिखना होगा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर लिखने के बाद आपको लिखना होगा अमाउंट पेड, जो अमाउंट आपने पेड किए हैं, जो खर्चे किए हैं आपने वो यहाँ लिख देंगे आप। इसके बाद आपको 5 कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से, एक तो सबसे पहले नंबर बनाना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम एंड कॉल्स, आजकल कॉल्स का ज़माना भी है भाई, और ये आज की डेट में मेरे को लगता नहीं है कि कोई प्रिपेयर करता होगा। फिर भी जब हमारे अकाउंट्स का पार्ट है तो हमें मैनुअल अकाउंटिंग के सीखने के लिए ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके गाइस, और ये हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग जो व्यक्ति मैनुअली काम करना जानता है वही मशीन यानी कि कंप्यूटराइज आज के जो मॉडर्न एज है उसमें काम कर सकता है,
यानी कि अच्छी तरह से वही काम कर सकता है जिसने मैनुअली काम की समझ हो। ठीक, आपका थर्ड नंबर का जो कॉलम है यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का है। फिर आपका फोर्थ नंबर का जो कॉलम है वो कूली कूलीज चार्जेस कार्टेज कूलीज कार्टेज चार्जेस कैरिज भी आएगा यहाँ पे, कैरिज कूली चार्जेस, ठीक है, ढुलाई कूली का ये सब। फिर आपको मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, मिसलिनियस एक्सपेंस में डाल देंगे। और लास्ट में एक रिमार्क है जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये है परफॉर्मर एनालिटिकल पैटी कैश बुक का, आप अच्छे से समझिए। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो पहले सबसे नंबर पे क्या हुआ है, रिसीट कैश फ्रॉम कैशियर 1000 रुपीज़। तो रिसीट हुआ है हमारे 1000 रुपीज़ का कैश, आपने 1000 रुपीज़ लिख दिए 2018 और जनवरी फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, पैसा जो हमें मिला है टू कैश। ठीक है, इसके बाद सारी कहानियाँ होंगी। अब आप चलते हैं जनवरी 2 को जो एंट्री है, पेड फॉर टेलीग्राम 35 रुपीज़ और न्यूज़पेपर के लिए 52 रुपीज़। तो जनवरी 2 बाई टेलीग्राम, तो टेलीग्राम किससे रिलेटेड होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम। आपको सबसे पहले तो अमाउंट यहाँ पे लिखना होगा अमाउंट पेड में, फिर जिस कॉलम से वो अमाउंट रिलेटेड है वहाँ भी इसको लिखना पड़ेगा। फिर आपको वही अमाउंट जो 2 तारीख में एक और अमाउंट है न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर भी किससे रिलेटेड करेगा, न्यूज़पेपर रिलेट करेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से। अच्छे से समझने के लिए आप कॉलम यहाँ ये लगा सकते हैं 52 रुपीज़ न्यूज़पेपर के है, पहले आप टोटल अमाउंट में लिख लीजिए 52 रुपीज़। और न्यूज़पेपर का आपको यहाँ पे कोई कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, आप जाइए मिसलिनियस में 52 रुपीज़ लिख दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके परचेज स्टेशनरी, कौन सी डेट में, 4th of January को बाई स्टेशनरी। और आप जाएंगे स्टेशनरी के लिए, अमाउंट कितना है स्टेशनरी का, 32 रुपीज़। और आपको कहाँ लिखना होगा स्टेशनरी का, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, बाकी सब में डैश लगा दीजिए। फिर यहाँ पर सोप भी ख़रीदा है आपने, बाई सोप यानी साबुन वगैरह का खर्चा है, साबुन का खर्चा भाई कहाँ आएगा, मिसलिनियस में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ साबुन का कोई कॉलम तो बनाते नहीं है, तो 15 रुपये मिसलिनियस में, और अमाउंट पेड में भी आपको 15 रुपये दिखाने होंगे। ठीक, आगे चलते हैं बाई कूली, क्या लिखा है, पेड कूली चार्जेस 25 रुपीज़, कौन सी तारीख में, 6 तारीख को बाई कूली। जो कि आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, आप समझ लीजिए, बस आपको अमाउंट जो है जिस वाले कॉलम से रिलेट करती है वहाँ पर आपको लिखना है, कूली कार्टेज वाले यहाँ लिख दिया जाएगा 25 रुपीज़। अब अगली नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, इसी की एंट्री है टैक्सी फेयर बाई टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर का क्या करेंगे हम, टैक्सी फेयर कहाँ लिखेंगे दोस्तों, टैक्सी फेयर आपका आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, टैक्सी फेयर आप समझिए ट्रैवलिंग के लिए खर्चा किया गया होगा। ओके गाइस, इसके बाद पोस्टेज 6 तारीख को ही बाई पोस्टेज, तो पोस्टेज तो आप जानते ही हैं, पोस्टेज के लिए कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 25 रुपीज़। ठीक, और पोस्टेज में आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ 25 रुपीज़ लिख देंगे और बाकी सब में डैश लगा देंगे। तो ओवरऑल इस तरह से एंट्रीज फिल करनी है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 22 रुपीज़, 8 तारीख को आपने बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो कितने रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में पेड किए हैं, 22 रुपीज़। ठीक, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 22 रुपीज़ आप फिर से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 तारीख को ही टेलीग्राम रुपीज़, टेलीग्राम के 32 रुपीज़ खर्च हुए आपके, टेलीग्राम 32 यहाँ लिखेंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 32 लिखेंगे, बाकी सब ऐसे का ऐसे। इसके बाद आपका STD कॉल्स हुई हैं 8 को ही, बाई STD कॉल्स। ठीक है,
कितने रुपीस खर्च हुए हैं उसमें, 25 रुपीस, और कॉल्स में यहाँ ही लिख देंगे 25। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक अब समझ में आ ही रहा होगा, और ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। ठीक, अब आप चलते हैं 12 डेट को, और 12 में क्या है, पेड चौकीदार, चौकीदार को 80 रुपये दिए गए हैं, तो बाई चौकीदार 80 रुपीज़ दे दिए, और ये मिसलिनियस में चले जाएंगे क्योंकि चौकीदार का तो कोई कॉलम हमने बनाया है नहीं। ठीक, इसके बाद आपको 18 डेट को क्या किया गया है, पोस्टेज चार्जेस, 18 को पेड कैरिज बाई कैरिज, यानी कि ढुलाई करी होगी माल की आपने, कितने रुपए पेड कैरिज, 40 रुपीज़, और कैरिज में गए आप और यहाँ 40 रुपीज़ लिख दिया आपने। ये एनालिटिकल भी हो रहा है दोस्तों, देखिए आपको ये लग रहा हो कि यार बोर्ड पे इधर से ये करने में लगे पड़े हैं, हमें इंट्रैक्शन जब होता है, जब आपके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन बात क्या करेंगे जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपना बोर्ड पर, तो ये चीज़ समझने की है कि यहाँ एनालिटिकल हो रहा है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बन रही है कि भाई एक अमाउंट तो यहाँ पूरी लिखी जा रही है, फिर जिससे भी रिलेट कर रही है वो आइटम उसी कॉलम में लिख दी जा रही है, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि पोस्टेज और टेलीग्राम के कितने खर्चे हुए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कितने खर्चे हुए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के कितने हुए, यानी कि सबका अलग अलग भी निकल के आ रहा है। एक तरह से ये कहना चाहिए सब निचोड़ करके निकल के आ रहा है, रिफाइनिंग हो रही है ये प्रोसेस। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम, कैरेज हो गया आपका, स्टेशनरी 22 रुपीज़, 18 को ही बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी का हो गया आपका कितने रुपये, 22 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे टोटल में, और आप लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 22 रुपीज़। यहाँ तक आपको पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं हम 21 डेट को, पोस्टेज चार्जेस, तो बाय लिखेंगे आप, और ये लिख दिया आपने पोस्टेज चार्जेस, पोस्टेज चार्जेस 25 रुपीज़ के हो गए, और आप यहाँ पर 25 रुपीज़ लिख देंगे, और सब में डैश लगाते चले जाएंगे। आप डैश लगाइए मत लगाइए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 21 कोई बाई टेलीग्राम आ गया, कितने रुपीज़, 20 रुपीज़ का चार्ज हुआ इस पर जो खर्च हुए हैं, टेलीग्राम भी यहीं पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो गया है तो जिस कारण ठंड वगैरह बढ़ चुकी है, अब आप पढ़ाई वगैरह करिए और अच्छे से रजाई में बैठ करके पढ़ने का टाइम आ चुका है आपका, तो 20 रुपीज़ टेलीग्राम के हो गए। आगे बढ़ते हैं अब हम 24 डेट में जाते हैं, 24 डेट को क्या हो रहा है दोस्तों, पे टोंगा फेयर 24 रुपीज़, तो बाई टोंगा फेयर ठीक है, कितने रुपीज़, 24 रुपीज़। ठीक, और आप टोंगा फेयर कहाँ पर लिखेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। ठीक, ठीक है, टोंगा फेयर ठीक है लिख दीजिए आप, कितने रुपीस हैं टोंगा फेयर के, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, पेड टोंगा फेयर 24 रुपीस, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे, आपका प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आपका हो गया 45 रुपीज़, तो ये कहाँ आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं हम पैसे, ये 24 में है और मेरा तो बोर्ड भर गया है आप देख सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर कर दूंगा इस क्वेश्चन को पूरा। आपका 26 डेट को क्या हो रहा है, अब 26 को हो रहा है पेड कुली चार्जेस, तो बाई कुली चार्जेस लिखेंगे अब हम यहाँ,
वैसे तो मेन मेन चीज़ जो थी आपको बता दी गई है, 30 रुपीज़, और आप क्या करेंगे इसको कूली चार्जेस वाले कॉलम में लिख देंगे 30 रुपीज़ यहाँ, ठीक है। इसके बाद आपका इसी डेट को हुआ है बस फेयर 26 को, बाई बस फेयर, बस का किराया दिया आपने 26 रुपये, 28 रुपीज़ सॉरी, ठीक है। बस फेयर कहाँ जाएगा आपका, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा 28 रुपीज़, ओके। तो ये तो 26 तारीख तक की एंट्री हमने यहाँ पर बना ही दी है। अब आपको मैं इस तरफ बना के दिखा देता हूँ, फिर या फिर मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि इसको आपको इरेज करके दूँ, यहाँ पर पूरा बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ डेट लिख देता हूँ, या अमाउंट रिसीव्ड नहीं लिख रहा हूँ मैं, डेट यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर वाउचर नंबर लिख दे रहा हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ टोटल, और आप इससे समझना पोस्टेज, थोड़े कॉलम मैंने इधर ले लिए आपके, ठीक है भाई। क्वेश्चन तो पूरा करके दिखाना होता ही है, पोस्टेज, टेलीग्राम, फिर यहाँ पर वही प्रिंटिंग, फिर यहाँ पर आपका ट्रैवलिंग, फिर यहाँ पर आपका कैरिज कुली, और यहाँ मिसलिनियस, ठीक है। तो जी समझने का है अब आपको, फिर से 26 तारीख तक की हमारी एंट्री हो चुकी है, अब आते हैं हम 28 एंट्री पर, 28 ऑफ जनवरी बाई 28 को क्या किया है, ऑटो फेयर कर दिया हमने, ऑटो का फेयर किया है। तो ऑटो फेयर आप जो दे रहे हो वो भी एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आएगा, और कितने रुपए है ऑटो फेयर के, 25 रुपीज़, यहाँ सब में ट्रैवलिंग में 25 रुपीज़ डाल दीजिए आप। इसके बाद 28 डेट को क्या हो रहा है, फिर कंप्यूटर स्टेशनरी आई है, बाई कंप्यूटर स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी, तो ये भी क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टोटल कितने रुपीज़ हैं कंप्यूटर स्टेशनरी में, 55 रुपीज़, 55 यहाँ लिखे, बाकी सब एज इट इज़। इसके बाद आपका 30 डेट को क्या हो रहा है, 30 डेट में फोटो स्टेट के लिए पैसे खर्च किए आपने भाई, फोटो स्टेट, और फोटो स्टेट क्या होते हैं भाई, फोटो स्टेट भी स्टेशनरी के उसमें आता है, ठीक। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल देंगे हम इसको, कितने रुपए फोटो स्टेट में जा रहे हैं आपके, 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ फोटो स्टेट में डाल दिए जी। इसके बाद आपका इसी डेट में क्या हो रहा है, कार्टेज हुआ है, बाई कार्टेज, कार्टेज यानी कि ठेला भाड़ा वगैरह होते हैं, और इसका अलग से कॉलम बनाया गया है, कूली कार्ज कैरिज कूली कार्टेज, ये कार्टेज में कितने रुपए खर्च हो गए आपके, 25 रुपीज़, और यहाँ सब में गोल मार दो, मतलब आप छोड़ देंगे सब, बाकी बचता है आपकी 31 ऑफ जनवरी, इसमें पेड लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, पेड अनलोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस बाई अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, और ये अनलोडिंग चार्जेस कितने रुपए के हैं आपके, आप देख करके तुरंत अपना साथ ही साथ मेंटेन करते चलिए, ये भी आपके कार्ड कैरिज वैरिज वाले ही उसमें आएंगे कॉलम में। बाकी बचा है एक रिफ्रेशमेंट का, तो आप यहाँ 31 को बाई रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का क्या होगा भाई, आप जानते हो मिसलिनियस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं बना हुआ है। अब आपका क्या काम, देखिए ओवरऑल काम हो चुका है अपना, ये जितना भी है आप इसका टोटल लगा लीजिए, मैं तो ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, 982 इसका आ गया है, सबके कॉलम के टोटल लगा लीजिए, जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम है इसका टोटल लगाएंगे आप, इसका टोटल लगा लीजिए आप, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का इसका टोटल आ गया आपका 182, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल लगा लीजिए आप 174, ट्रैवलिंग का लगा लीजिए आप 160, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आप कूली और वाले कूली वगैरह का लगा लीजिए आप,
182, 182, 174, 164, इसका टोटल जो है 160, और इस लास्ट वाले का टोटल है 302 रुपीज़। ओके कौन से पैसे मैंने आपको छोड़ दिए ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई एंट्री तो नहीं छोड़ दी हमने। ये रिफ्रेशमेंट दो बार आए हुए हैं भाई, 12 डेट को भी एक रिफ्रेशमेंट और हुआ हुआ है। चौकीदार 12 डेट को, एक तो चौकीदार के 80 रुपये हैं, कोरियर के चार्जेस के 20 रुपये हैं और रिफ्रेशमेंट के 70 रुपये हैं। जो भी है बहरहाल आप इस तरह से इसको मिलाइए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि टोटल इतना पैसा आना चाहिए आपका, और मैं अब यहाँ से छोड़ देता हूँ ये सब टोटल। हो सकता है एक आध एंट्री यहाँ मिस हो गई हो, ठीक, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही जाती है। लेकिन मेरा क्या है कि आपको समझाने का है कि इस तरह से आप इनको एंट्रीज को जो है रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पर आप टोटल करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी कैरी डाउन, जो भी आपका जो आपने 1000 रुपये खर्च किया है उसमें से जो टोटल यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक, सारा टोटल करने के बाद यहाँ जो भी आएगा आपका अमाउंट उसमें से 1000 रुपये जब माइनस करेंगे तो आपके पहले बैलेंस बच जाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये बैलेंस आपका फरवरी को टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, यानी कि ब्रॉड डाउन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस कहेंगे, और किस नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से, ठीक। तो गाइस आई होप ये आपको जो पैटी कैशबुक थी, एनालिटिकल पैटी कैशबुक किस तरह से मेंटेन करते हैं ये हमने बताया है, ठीक। कुछ भी हमने आपको रटाने की कोशिश नहीं की है, टू द पॉइंट आपसे बात की है हमने, क्वेश्चन को बिल्कुल ही क्वेश्चन की तरह से नहीं किया, आपको बतलाया भी है बीच बीच में कि क्या इसमें एनालिसिस हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो गाइस अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, आप ये मत देखिए हमने इसका आंसर निकाला या नहीं निकाला है, आंसर पर नहीं जाना चाहिए हमें। मेन चीज़ क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ कैसे होंगी। एक बार जब हम तरीका समझ लेते हैं तो फिर हम आंसर्स भी निकाल लेंगे। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि हम हर चीज़ को, जो कॉमर्स के हर प्रॉब्लम्स को यानी कि क्वेश्चंस को, कभी भी एक प्रॉब्लम के रूप में ना लेकर के अपना पर्सनली ऐसा फील करें कि ये भाई हमारे बिजनेस का एक अकाउंट है या हमारे बिजनेस का एक काम है जिसको हम कर रहे हैं। तो जब ऐसा आप फील करके करोगे तो आप बेहतरीन करके उस काम को करोगे, क्योंकि अगर हम इसे क्वेश्चन मान के करेंगे तो मे भी यहाँ पर 100% ऐसे चांस बन जाएंगे कि आप गलत कर लोगे। लेकिन अगर आप पर्सनली इस तरह अपने आप से इसे मान के करोगे कि ये हमारे बिजनेस का काम हो रहा है, ये हमारे बिजनेस की एनालिटिकल पैटी कैशबुक हम बना रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को मेंटेन करोगे। आपको मैं एक एडवाइस और दूंगा, आप अगर किसी बिजनेस फर्म से जुड़े हुए हैं या फिर आपके घर में या फिर आपके पिताजी किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आप इस तरह के अकाउंट्स वहाँ पर प्रिपेयर कीजिए। आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को प्रिपेयर करना सीखिए। आप अपने घर का भी पैटी कैशबुक आप बना सकते हैं, आप कैशबुक बना सकते हैं, यानी कि जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें सीखी है उन सबको आप अपने पर्सनली जो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे और आपको इन चीज़ों को करने में मज़ा भी आएगा। तो थैंक यू सो मच, आप हमें इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। साथ साथ अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि पैटी कैशबुक इस तरह से मेंटेन की जाती है। और गाइस आपको बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग ये जो तरीका है आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैनुअली फिट होंगे, मैनुअली आप कैपेबल होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि जो बंदा लंबे रेस का घोड़ा होता है उसे हर चीज़ सीखनी होती है और हर चीज़ जानता है, वो शॉर्टकट में किस तरह से हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है, जब कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको लॉन्ग रनवे पे दौड़ना ज़रूरी है। इसलिए ये टॉपिक्स जितने भी हैं, जब तक मैनुअल अकाउंटिंग आपको नहीं आएगी आप अकाउंटिंग में परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते हैं। सो गाइस बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में।
तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।